रोहतास से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने उत्तर प्रदेश से रोहतास के युवक को उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया। अब इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है, उसके परिजनों ने उसका 2 साल पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मरकर कोई कैसे वापस लौट सकता है, और अगर ये वही है जिसका अंतिम संस्कार किया गया, तो फिर जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने किया वो कौन है? देखिए ये रिपोर्ट। जिसका परिजनों ने किया अंतिम संस्कार, वो था प्रेमिका के संग फरार। उत्तर प्रदेश से हुआ प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार। रोहतास के एक अजब गजब मामले ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दरअसल जिस लड़के का 2 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया था, वो लड़का उत्तर प्रदेश से अपनी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये केस है, हाँ। इसमें हत्या का भी प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। वो भानस में हुआ है, ये हमारे यहाँ नहीं, कोचस में नहीं हुआ। भानस ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। भानस तो वो 1 साल से वो मतलब मृत आदमी मतलब जिंदा घूम रहा था। जिंदा उसको बरामद किया गया है। बरामद कर लिया। कब बरामद किया है? आज 10:30 में। और एक युवती भी बरामद हुई है। हैरान करने वाला ये मामला जिले के कोचस थाना क्षेत्र का है, जहां अक्टूबर 2021 में जिस युवक की हत्या की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई थी, उसे पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक युवक अपनी प्रेमिका के साथ मुंबई के पुणे में रह रहा था, और मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। रवि रंजन और संध्या कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों 2 साल पहले एक दूसरे के साथ फरार हो गए। युवती के पिता ने बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया। इस बीच ओपी क्षेत्र में कुएं से एक युवक की लाश मिली। युवक के परिजनों ने शव की शिनाख्त रवि के रूप में की। पुलिसिया प्रक्रिया के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शव के अंतिम संस्कार के बाद युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया था। मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिसके बाद से युवती के परिजन भागते फिर रहे हैं। लेकिन अब जब दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है, तो युवती के परिजनों ने राहत की सांस ली है। वो सब उन लोग का चाल था क्या? ये हत्या का आरोप लगा दिया हम लोग पर, और बोल दिया कि लड़की को छुपा दिया है, हमारे बेटे को मार दिया है। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया, सब झूठा फाजिल बात है। तो डेड बॉडी भी वो लोग दिखाया था, बरामद किया था। हाँ, तो दूसरे थाना में, दिनारा थाना में डेड बॉडी दिखाया था। वहीं पर वो लोग जाके कह दिए कि हमारा लड़का। युवक और युवती की गिरफ्तारी को लेकर जब युवक के परिजनों से सवाल किया गया, तो परिजन गोलमोल जवाब देते दिखी। हैरान करने वाली बात यह है कि युवक बीते कुछ महीनों से अपने परिजनों के साथ संपर्क में भी था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। वहीं शव को लेकर सवाल करने पर परिजनों ने दावा किया कि शव की शिनाख्त तो उन्होंने की ही थी, लेकिन जब शव मिला था उस वक्त शव की हालत खराब हो गई थी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो है ना, पता कहते कि कुल हेजा हेजा कुल गोल गोरे है, कुल गोल गोरे है, अब मुंह चेहरा दिखाते ना रहे। तो ऐसा ही कि अपना अथू रोला धोला में ऐसा ही कि अपन ले नहीं जा। तो उसका अंतिम संस्कार आप लोग की थे, पोस्टमार्टम भी हुआ था उसका? सासर लाश ले नहीं जा जननी। कब से बातचीत आप लोगों से कर रहे थे? कहते बने कि 1 महीना हो, तब 1 महीना से बातचीत हो रहा था। कहे बातचीत करने लगे? पहले 1.5 साल का नहीं बात कर रहे थे? हाँ, तब ना जाते लड़का कह दिया कुल काम कीजिए, कह दे जा तो कोई तब बतियावे लग नहीं जा, अब वो अपने घर बतियावे लग। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शव का चेहरा साफ नहीं था, तो परिजनों ने शव की शिनाख्त कैसे की? क्या शव का डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया? परिजनों ने युवक से संपर्क होने की बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया वो किसका था? बहरहाल ये मामला फिलहाल सुलझता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें कई कड़ियां आपस में नहीं मिल रही हैं।
सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि आखिर जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया वो किसका था। हालांकि मामले में दोनों युवक युवती गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उम्मीद है पूछताछ के बाद कुछ खुलासा हो। रोहतास से मिथिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।